नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खामोश सेनापति जी, संग्राम के नाम मेरा संदेशा भी लेते जाइए। उसको कहिए कि अगर वो अपनी बहन को महल में बुलाना चाहता है तो मेरी माँ को आजाद कर दे। आ गया तुम दोनों के खोपड़ी में, ले चलो। हेलो आजा। संभाल के ले जाना सेनापति जी को, क्योंकि बहुत नाजुक हैं। तो तुम राजा के अड्डे पर पहुंचकर भी उसके रास्ते का पता नहीं लगा सके सेनापति? जी महाराज, इतने मोटे कपड़े की पट्टी आंखों पर बंधी थी। राजा की मां को रिहा कर दिया जाए। लेकिन लेकिन महाराज, सेनापति हुक्म की तामील हो। क्या आप रो रही हैं राजकुमारी जी? हाँ, राजमहल याद आ रहा होगा। समझ गया, शायद नानी याद आ रही है। बेटा। माँ। राजकुमारी जी, आपके भाई ने हमारी माँ को रिहा कर दिया है। अब आप भी महल जाने की तैयारी शुरू की। हाँ राजकुमारी जी, मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। मैं महल नहीं जाना चाहती राजा। क्यों? तुम जानबूझकर अनजान बन रही। मैं सब समझता हूँ राजकुमारी, लेकिन मोहब्बत पर अपना फर्ज कुर्बान नहीं कर सकता। राजा, राजा सवारी तैयार है, चलिए राजकुमारी जी। जाओ राजकुमारी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। आइए। महाराज तकलीफ बहुत है, अब हमें आप मत रोकिए, हम अभी राजकुमारी जी को राजा के पंजे से छुड़ा कर लाते हैं। कुंवर जी, जाते हुए अपने साथ राजवैद्य को भी लेते जाइएगा। अब वो क्यों, तकलीफ बहुत है? मरम पट्टी के लिए। सेनापति, तुम्हें मजाक की सूझ रही है और हमें चंद्रलेखा की फिक्र हो रही है। भैया। चंद्रा, तुम अच्छी तो हो, उस जालिम ने तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं भैया, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे महल से ज्यादा वहां आराम था। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजा बहुत धोखेबाज आदमी है, तकलीफ बहुत है, उसने जरूर आपको अपनी मीठी बातों से लुभाया होगा। उसने मीठी बातों से नहीं, कड़वी बातों से लुभाया, सच्ची बातों से। चंद्रलेखा, तुम जाओ आराम करो। अच्छा भैया। अब हम राजा को बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। वो कैसे? महाराज, आप राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान करवा दीजिए। ये कैसे हो सकता है, राजकुमारी की शादी तो हमारे साथ होने वाली है। स्वयंवर का जाल तो सिर्फ राजा को गिरफ्तार करने के लिए बिछाया जा रहा है, राजकुमारी की शादी तो आप ही से होगी। तो फिर ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, तकलीफ बात है। तकलीफ रफा हो जाएगी। सेनापति, राजकुमारी के स्वयंवर का ऐलान इसी वक्त किया जाए।
नगर वासियों, महाराज संग्राम के तरफ से ऐलान किया जाता है ये कल शाही अखाड़े में कुश्ती का एक मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में शाही पहलवान को जो भी शिकस्त देगा राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा। रियासत का हर बाशिंदा इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। कुछ सुना तुमने धनीराम? सर, राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। मुझे तो ये संग्राम की चाल मालूम होती है। कैसी चाल? कैसी चाल? अरे राजा को गिरफ्तार करने की चाल और कैसी चाल। ये राजा कौन है? आप राजा को नहीं जानते? संग्राम का जानी दुश्मन, वो संग्राम की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। ये राजा रहता कहाँ है? वो जंगलों और पहाड़ों में रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो सीधे निकल जाइए, उसके साथ ही आपको पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने स्वयंवर में जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हें स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए राजा। ये कैसे हो सकता है बिरजू? मैं स्वयंवर में हिस्सा जरूर लूंगा। ओहो राजा, तुम भी कमाल करते हो। अगर संग्राम ने तुम्हें पहचान लिया तो? तुम भी बुद्धू के बुद्धू ही रहे। अरे मैं वहां भेष बदल कर जाऊंगा। राजा, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जरूर राजा। राजा, हम इस बूढ़े को पकड़ कर लाए। लाओ निकालो, कितना माल है। ए राजा, वैसे बुढ़ा चौकते से शरीफ आदमी मालूम होता है। इसे ले जाओ और छोड़ दो। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया राजा, तुम्हारे गिरोह में शामिल होने के लिए आया हूं। आए राजा, है ये बुढ़ा तो एकदम चिपकू मालूम होता है। हमारे गिरोह में शामिल होना इतना आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें सख्त इम्तिहान देना पड़ेगा। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। तो चलो, अभी पता चल जाएगा। राजा भैया, मालूम होता है इस बुढ़े के दिन पूरे हो चुके हैं। इस मजमे में और कोई जमा मर्द है जो शाही पहलवान का मुकाबला कर सके? मोतियों वाले उतनी उम्मीदवार हूं मैं। तुम शाही पहलवान का मुकाबला करोगे? ओ बादशाह, एक पहलवान ते साडे खब्बे हाथ दी मार नहीं, असी ते छेर दी धौण पांदे ही पापे। इजाजत है बादशाह? तकलीफ बहुत है, इजाजत है।
Oh, my God.
को हमारे साथ जरूर, मगर शाही रस्म के मुताबिक हम पहले तुम्हें फूलों का हार पहनाएंगे। आउन दो बादशाह, फूलों में भी आउन दो। ले जाओ राजा को, हमारे सामने पेश किया जाए। हाजरीन दरबार, गद्दार राजा पर जो जुर्म साबित हुए हैं उनकी तफसील यह है। राजा ने हुकूमत के खजाने को लूटा, रियासत के कामों में रुकावट डाली, मुहाफिजों को कत्ल किया और वफादार प्रजा में बगावत की आग फैलाई। ये तमाम जुर्म देखते हुए मैं प्रजा की तरफ से महाराजाधिराज संग्राम से पुरजोर सिफारिश करूंगा वो इस बागी को ऐसी सजा दें जो दूसरों के लिए अपनाक साबित हो। राजा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, हम इंसाफ करेंगे। तुम इंसाफ करोगे? तुम तो इंसाफ के नाम पर खुद एक स्याह धब्बा हो। खामोश। का राज धोखे से छीन लेना, गरीबों के झोंपड़े चलाना, अपना खजाना भरने के लिए रियायत से जबरदस्ती लगान वसूल करना, क्या यही तेरा इंसाफ है? तुम हाकिम वक्त पे इल्जाम लगा रहे हो, इसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मारना और बचाना तो मालिक के हाथ है, लेकिन याद रखो संग्राम, एक राजा मरेगा तो उसके लहू की हर बूंद से हजारों राजा पैदा होंगे। देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। सेनापति, देश की भलाई के लिए हम मुजरिम राजा को सरे बाजार फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। हुक्म की तामील हो। महाराज, आपने राजा को सरे बाजार फांसी पर लटकाने का हुक्म क्यों दिया? इस तरह उसके साथी से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। राजा के साथियों को बनाने के लिए वो तो एक चाल थी सेनापति। वैसे फांसी राजा को पुराने किले में दी जाएगी। Thank you.
राजा को फांसी चौराहे पे नहीं दी जा रही, तो इसी वक्त ही खत उनके साथियों को पहुंचा दे। जी तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, ये काम हम कर देंगे। राजा को इस जगह फांसी के लिए लाया जाएगा। बलवंत जी तुम यहाँ से आना, बालू जी तुम यहाँ से आना, बिल्कुल, और मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से आऊंगा। बिल्कुल ठीक। बलवंत अपने सब साथियों से कह दो कि हम सब आधी रात को यहाँ से निकलेंगे। अच्छी बात है। यहां तो कुछ नहीं है। राजकुमारी जी कहां चली गई? राजकुमारी जी मालूम होता है राजकुमारी जी भाग गई। चलो महाराज को खबर करते। चलो फिर मैं यहाँ हूँ। आप हैं? बिच्छू मिला? बिच्छू वहां तो नहीं है राजकुमारी जी। तुम्हें देखे भाग गया होगा, बहादुर सिपाही हो ना। चंदा बाहर आ जाओ, बिच्छू हमारे बहादुर सिपाहियों को देख के भाग गया है। अब आ भी जाओ ना, मुझे बिच्छू से बहुत डरती है। तुम लोग जाओ। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक्ट।